गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ। डियर लर्नर, वी आर लर्निंग यूनिट थ्री, प्लेइंग विद नंबर। हम लोग यूनिट थ्री नंबरों के साथ खेलना सीख रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या सीएफ के बारे में सीखा था। आज हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में सीखेंगे, एलसीएम के बारे में सीखेंगे। एलसीएम होता क्या है? द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ टू नंबर आर मोर गिवन नंबर इज़ द लोवेस्ट आर स्मॉलेस्ट आर लीस्ट ऑफ दियर कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दो या दो से अधिक नंबरों का सबसे छोटा मल्टीपल होता है। जैसे देखिए, ये सिक्स मैथ। अब दो, जैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। LCM होता क्या? जैसे देखिए, दो नंबर हैं 12 और 18 के लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबरों के हम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम दो, इसके दो मेथड होते हैं। जैसे देखिए, हमने क्या किया, 12 का फैक्टराइजेशन कर दिया। तो जैसे फैक्टर आप निकालते थे एस सी एफ में, वैसे इसका भी फैक्टर आप निकाल देंगे। 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3। तो इसके क्या फैक्टर हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और फिर हमने 18 का फैक्टर निकाल दिया। तो 18 में 2 का डिवीज़न हम कर रहे हैं, 2 9 जा 18, कितना क्वाटियंट आया, 9। तो यही क्वाटियंट हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो तब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब हम 18 का फैक्टर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब एचसीएफ इसका क्या होगा, एलसीएम हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, जो मैक्सिमम बार आया है, जो फैक्टर मैक्सिमम बार आया है, तो वही हम मैक्सिमम बार लिखेंगे। 2 मैक्सिमम 2 बार आया है, तो 2 मल्टीप्लाई 2। और 3 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हम 3 को मैक्सिमम 2 बार लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 36 एलसीएम इसका हो गया। फिर ऐसे ही जैसे दूसरा नंबर है, हमको एलसीएम निकालना है। एक मेथड होता है, ये मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। और ये डिवीज़न मेथड भी होता है, जैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में 12 और 18 का फैक्टराइजेशन करना है। तो डिवीज़न मेथड से जब हम करेंगे, तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर हम 2 से डिवीज़न करेंगे, 2 3 जा 6 और 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 9। फिर हम क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे, 1 3 1 जा 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो एलसीएम निकालने का ये जो मेथड है, ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, और ये मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, आप उससे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप जैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं,
एक्सरसाइज 3.7, एक्सरसाइज 3.7, एक्सरसाइज 3.7 में जैसे यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 3.7, 3.7 कह रहा है रेनू परचेजेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर, रेनू परचेजेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो रेनू ने 2 bag फर्टिलाइजर खाद खरीदी, तो एक बैग का वेट जो है 75 kg है एंड और दूसरे बैग का वेट 69 kg है, तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, तो मैक्सिमम वेट वो कौन सा है जिससे वो एग्जैक्ट नंबर में वो वेट कर सके। तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, ये SCF निकालना पड़ेगा। तो 75 क्वेश्चन नंबर 1 का 75 एंड 69 kg है, ये 75 kg है, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा। तो 75 को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 3 से करेंगे पहले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 75 में हमने 3 का डिवीज़न किया तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 सबट्रैक्ट किया तो 1, और 5 को उतारेंगे, 3 5 जा 15, ये 25 जो क्वोटियंट आया यही क्वोटियंट हम यहाँ लिख देंगे। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब हम इसको किससे काटेंगे, 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर हम क्या करेंगे 69 से, 69 को डिवाइड करेंगे, ये 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और ये नंबर अब किसी से नहीं कटेगा, 23 से ही कटेगा तो 1 होगा। तो अब इसका हम फैक्टर लिखेंगे, 75 इजकल टू 3 × 5 × 5, और 69 का हम लिखेंगे 69 इजकल टू 3 × 23। तो SCF इसका क्या बनेगा, SCF इजकल टू, तो ये देखिए कॉमन फैक्टर जो है वो दोनों में कौन है, दोनों में 3 है, तो 3 kg के बाद से हम मापेंगे तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में वो वेट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3 boys स्टेप ऑफ टूगेदर फ्राम द सेम स्पॉट, दियर स्टेप मेजर 63 cm, 70 cm एंड 77 cm रेस्पेक्टिवली, वाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये पूछ रहा है कि 3 स्टूडेंट हैं जो एक जगह से चलना शुरू करते हैं, तो एक एक बच्चे का स्टेप जो है दो पैरों के बीच की दूरी 63 cm है, दूसरे का थोड़ा बड़ा है 70 cm है, और तीसरे का 77 cm है, तो कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जो कवर डिस्टेंस द कंप्लीट स्टेप। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा जो उसका मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, तो हम क्या करेंगे इसका LCM निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 63 cm, फिर 70 cm एंड 77 cm एंड 77 cm, इसका हम LCM निकालेंगे। तो क्या करेंगे 63 70 77, फिर हम सबसे पहले ऐसे नंबर से करेंगे, किसी भी एक नंबर को अगर 2 काट देता है, डिवाइड कर देता है, तो हम 2 से ही पहले करेंगे,
तो ये 63 को नहीं डिवाइड कर रहा है तो हम ऐसे लिख देंगे, और 2 3 जा 6 1 7 और 2 5 जा 10 35। हमने 70 में 2 का डिवीज़न किया, 35 हमको क्वाड्रेंट मिला। 77 को नहीं डिवाइड कर रहा है तो हम 77 ऐसे लिख देंगे। अब हम 3 से करते हैं, 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे। 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और ये डिवाइड नहीं होगा 35, तो 35 हम ऐसे लिख देंगे, 77 को ऐसे लिख देंगे। फिर हम 3 से ही करते हैं क्योंकि ये एक डिवाइड हो जा रहा है, 3 7 जा 21 फिर 35 फिर 77। फिर हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे क्योंकि सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं, फिर 7 5 7 जा 35 फिर हम 77 को ऐसे लिख देते हैं। फिर हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 7 1 जा 7 11 होगा। अब फिर हम किससे करेंगे, 11 से करेंगे, 1 1 11 1 जा 11। फिर ये क्या हो गया, तो LCM इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अब सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90 97 जा 0 63। फिर अब इसमें हम 11 का डिवीज मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 3 जा 3 1 6 जा 6 फिर एक डिजिट छोड़कर 100 1 3 जा 3 1 6 जा 6 फिर सबको ऐड कर देंगे, 0 3 6 3 9 और ये 6। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 69 30 सेंटीमीटर। इतने स्टेप ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। तो ये पूछ रहा है कि लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द रूम 825 सेंटीमीटर 625 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर इसके रूम की लेंथ ब्रीथ और हाइट है। तो वह कह रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, वह टेप आपको बताना है जो मेज़र द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। तो आप क्या करेंगे, इसका SCF निकालेंगे, तो SCF निकालेंगे तो पता चलेगा कि वो लॉन्गेस्ट टेप कितना है। तो SCF निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में 825 सेंटीमीटर फिर 675 सेंटीमीटर और एंड 450 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो हमको SCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 825 का निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 3 2 जा 6 3 से होगा, 3 2 जा 6 28 हाँ ये होगा, 3 से होगा, 3 2 जा 6 825 में हम 3 का करेंगे तो 3 2 जा 6 28 और 22 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा 15 275। फिर 3 से नहीं होगा, फिर हम 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 27 5 5 जा 25
फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5 5 1 जा 5, फिर 11 से करेंगे 11 1 जा 11, फिर हम 675 का करेंगे, फिर 675 का हमने किया तो 3 से होगा 675 को 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और 7 3 2 जा 6 1 और 5 3 5 जा, ये 3 से करेंगे तो आएगा 225 225, फिर 3 से करेंगे 3 7 जा 21 1 और 3 5 जा 15, अब फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6 1 7 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5 और फिर 450 का करेंगे, 450 का हमने कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, जिसके लास्ट में 0 होता है वो 2 से कटता है, तो 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 1 5 2 5 जा 10, फिर 3 से काटेंगे तो कितनी बार जा 3 7 जा 21 3 5 जा 15, फिर 3 से काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 से काटेंगे 5 5 जा 25 5 1 जा 5, अब सबका वो फैक्टर लिखेंगे 825 का फैक्टर क्या बनेगा, 3 × 5 × 5 × 11 और फिर 675 का लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 5 × 5, फिर 450 का लिखेंगे 450 का लिखेंगे 450 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5 × 5, तो HCF इक्वल टू लिखेंगे HCF इक्वल टू, देखिए जो सब में कॉमन होगा वही हम लिखेंगे, देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है तो हम 3 लिख दिए। अब देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है तो हम क्या लिखेंगे 5 5 और 5 × 5। अब देखिए फिर क्या करेंगे 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है तो हम इस 5 को भी लिख लेंगे 5 × 5, तो ये 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75, ये क्या हो गया इसका HCF हो गया, तो यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 और 12, 6 8 और 12 से जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो और वो भी 3 डिजिट का, वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 8 और 12 का LCM लेंगे, तो 6 8 और 12 का LCM हम निकालते हैं, 6 8 और 12 का LCM हम ले लेते हैं, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 3 नहीं कट रहा है तो 3 को ऐसे रखेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे जब तक 2 से मिल रहा है तब तक हम 2 से करेंगे, 3 को छोड़ेंगे ऐसे ही 2 1 जा 2 3 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर हम 3 के साथ करते हैं 3 1 जा 3 1 3 1 जा 3, LCM इक्वल टू क्या हो गया LCM इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ये 24 तो LCM हो गया। अब ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24
सिक्स से भी डिविजिबल है, एट से भी डिविजिबल है और ट्वेल्व से भी डिविजिबल है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये टू डिजिट का है और ये क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट का होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट का इसका मतलब हम इसके मल्टीपल और बढ़ाते जाएं तो 24 का मल्टीपल 24 टू जा कितना होगा, 24 टू जा 2, 4 जा 8 और 2 जा 4 48, ये भी टू डिजिट का ही है। तो हमको थ्री डिजिट का चाहिए, 24 थ्री जा हमने कर दिया तो 34 जा 12, 34 जा 12 और कैरी आया 1 और 32 जा 6 और 1 मिलके क्या हो गया 7, ये भी टू डिजिट का ही है। तो हम 24 में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 जा 16 कैरी आया 1, 42 जा 8 और 9 ये भी 96 भी टू डिजिट का, हमको थ्री डिजिट का चाहिए। तो 24 5 जा हम कर देते हैं, 54 जा 20, 54 जा 20 कैरी आया 2 और 52 जा 10, 10 और 2 मिलके 12, 120 ये स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट का नंबर है। ये देखिए सब कॉमन मल्टीपल हैं, ये 24 के सब कॉमन मल्टीपल हैं, लीस्ट ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है, ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा कॉमन फैक्टर है, पर लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको थ्री डिजिट का आप बताइए। थ्री डिजिट का बताने के लिए हमको 120 सबसे थ्री डिजिट का छोटा है, इससे भी बड़ा थ्री डिजिट का होगा, लेकिन हमसे लीस्ट स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, एलसीएम इसका 120, एलसीएम इक्वल टू 120, ये स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट का हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, अब इसमें ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। देखिए डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो 8, 10 और 12 का अब हम ऐसे एलसीएम तो निकालेंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो 8, 10 एंड 12 का है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले 8, 10, 12। देखिए 2, 4 जा 8, 2, 5 जा 10 कॉमा लगाते रहेंगे, 2, 6 जा 12 कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये तीनों नंबर एक पढ़ लिया जाएगा, इसलिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2, 2 जा 4, 5, 2, 3 जा 6 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 1 जा 2, 5, 3 फिर 3 से करेंगे, 1, 5, 3, 1 जा 3 फिर हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 1, 5, 1 जा 5, 1। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 5 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24, 24, 5 जा 5, 5, 4 जा 20 कैरी आया 2, 5, 2 जा 10 और 2, 12, 120 तो है, लेकिन ये कह रहा है कि थ्री डिजिट का भी है, थ्री डिजिट का भी है और 120 भी है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट है कि नहीं है ये नहीं पता चल रहा है। तो हम इसको पता करके देखते हैं कि इससे बड़ा और कितना थ्री डिजिट का बन सकता है। तो 120 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2, 2, 2, 0, 0, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2 ये भी थ्री डिजिट का है और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल से थोड़ा बड़ा है। फिर 120 का 3 से हम कर रहे हैं, 3, 0, 0, 3, 2 जा 6 और 3, 3, 3, 1 जा 3 और 120 का 4 से 5 से 6 से, जैसे हम 6 से करके देखते हैं, 6, 0, 0, 6, 2 जा 12, 12 कैरी आया 1, 6, 1 जा 6 और 1, 720 हो गया। अब हम 120 का
सेवन से करते हैं, सेवन जीरो जीरो, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन टू जा फोर्टीन, कैरी आया वन, सेवन वन जा सेवन और वन एट हो गया। और एट से हम करके देखते हैं, वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई एट, एट जीरो जीरो, एट टू जा सिक्सटीन, कैरी आया वन, एट वन जा एट और वन नाइन हंड्रेड सिक्सटीन। अब देखिए, अगर अब हम ये करेंगे नाइन से करेंगे तो ज़्यादा हो फोर डिजिट में चला जाएगा, नाइन जीरो जीरो, नाइन टू जा एटीन, कैरी आया वन, नाइन वन जा नाइन और वन मिल के टेन। ये सब मल्टीपल हैं, ये सब एट टेन और ट्वेल्व के मल्टीपल हैं और ये सब थ्री डिजिट के हैं, लेकिन थ्री डिजिट का मैक्सिमम 960 है। अब इससे बड़ा मल्टीपल हम ले जाएंगे तो ये फोर डिजिट का हो जाएगा, तो इसलिए थ्री डिजिट का मैक्सिमम मल्टीपल क्या होगा, 960 ये आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करने में मदद करेगी, आप एक्सरसाइज 3.7 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।